हैं, ये बड़ी खबर है। हितेंद्र ठाकुर 3500 वोटों से पीछे हो गए हैं, ये बड़ी खबर है। हितेंद्र ठाकुर को बहुत बड़े नंबर से विजय पाटिल ने पीछे कर दिया है। लगातार हमारे जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं नाला सोपारा, बोईसर और वसई से, उन्हें बता दिया जाए कि हितेंद्र ठाकुर बहुजन विकास अघाड़ी के मुखिया, जो 35 सालों से उनका वर्चस्व वसई विधानसभा में कायम है, वह 3500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन हितेंद्र ठाकुर एक स्थानीय नेता हैं और बड़े नेता हैं। हितेंद्र ठाकुर इन्हें टफ फाइट देंगे, क्योंकि अभी 26 राउंड की काउंटिंग है वसई में और 8 राउंड की काउंटिंग हुई है, तो अभी 18 राउंड की काउंटिंग बाकी है। तो हितेंद्र ठाकुर को हल्के में नहीं लेना चाहिए विजय पाटिल को और उनके समर्थकों को स्टार्टिंग में। वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने नाला सुपारा से आ रही है। नाला सुपारा के व्यूवर्स के लिए हम अपडेट कर रहे हैं। अब टेली दो राउंड की काउंटिंग नाला सुपारा में कंप्लीट हो गई है, ऑफिशियली आंकड़े आ गए हैं। क्षितिज ठाकुर मात्र 200 वोटों से आगे चल रहे हैं दूसरे राउंड की काउंटिंग में। बड़ी खबर, क्षितिज ठाकुर को 15,835 वोट मिले हैं, राजन नाइक को 15,622 वोट मिले हैं। यानी टफ फाइट अगर कोई दे रहा है तो हर जगह भाजपा दे रही है, लेकिन वसई में अभी समीकरण बदल गया। वसई में एक बात किया जाए स्नेहा दुबे का, तो स्नेहा दुबे बहुत ज्यादा वोटों से पीछे हो गई है, 5 से 6 हजार वोटों से पीछे हो गई है। लेकिन अगर कोई वसई में आगे जाता दिख रहा है तो विजय पाटिल है, और नाला सुपारा में टफ फाइट है। नाला सुबाना में टफ फाइव है, संदीप पांडे कांग्रेस के उम्मीदवार ध्वस्त होते दिख रहे हैं। एक आपको बता दें 1400 वोटों मिले हैं इनको, 1400 वोट, मात्र 1400 वोट अकेले धनंजय गावड़े को मिले हैं। नेशनल पार्टी के उम्मीदवार को छोड़िए, प्रहार पार्टी के धनंजय गावड़े को कांग्रेस को टक्कर वो दे रहे हैं, और बहुजन विकास अघाड़ी के नेता क्षितिज ठाकुर मात्र 213 वोटों से आगे हैं। ये बड़ी खबर है।